चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास स्मॉल एल कैरिंग अ चार्ज स्मॉल क्यू इज एट रेस्ट विद इट्स स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई द टेंशन इन द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो पेंडुलम सबसे पहले बना लेते हैं, ये पेंडुलम हम बना रहे हैं ठीक है, और ये पेंडुलम कुछ ऐसा है, मास एम है तो एम जी नीचे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल मैं राइट साइड में मान लेता हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे जो इस पे चार्ज कितना है q प्लस q चार्ज है ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी q इंटू ई होगी, ये डायरेक्शन में होगी। थ्रेड में टेंशन t है, क्वेश्चन में टेंशन ही पूछ रहा है, और ये एंगल थीटा एंगल बना रहा है ना थीटा, तो ये भी वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया t का t cos थीटा कंपोनेंट और ये हो गया t sin थीटा कंपोनेंट, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा अगर तो क्या होगा, रेस्ट पे है बोल रहा है ना क्वेश्चन में, रेस्ट में बोल रहा है तो इक्विलिब्रियम में है, यानी यानी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी होगा और टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा होगा, तो टेंशन की वैल्यू पूछ रहा है, टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से अगर टेंशन निकालें तो टी इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा हो गया, यहां से निकालें तो t इज इक्वल टू क्यू इंटू ई अपॉन साइन थीटा हुआ, ये दोनों वैल्यूज टेंशन की हो गई, कौन सा ऑप्शन सही है, एम जी बाई कॉस थीटा एम जी बाई क्यू ई बाई साइन थीटा, ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बी वाला ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,